मिर्जापुर के लिए एक ही चीज बोलूंगा, ये वो जंगल है जहां पर शिकारी कब शिकार बन जाता है ये उसको अभी पता नहीं चलता है। इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री में सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर ये दोनों ऐसी वेब सीरीज है जिसके बाद लोगों का जो इंटरेस्ट है वो वेब सीरीज को लेकर बढ़ गया था। और स्पेशली सेक्रेड गेम्स की बात करो तो यार ये एक अलग ही लेवल की वेब सीरीज थी, लेकिन उसके बाद जब एंट्री हुई मिर्जापुर की तो लोगों को ये सीरीज इतनी ज्यादा अच्छी लगी, इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि हद तो तब हो गई कि उसके बाद जब भी Amazon Prime Videos ने कोई वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया तो मैक्सिमम उनके कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग देखोगे तो हमेशा लोग यही पूछते हैं कि मिर्जापुर सीजन 2 कब आएगा। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों को मिर्जापुर कितनी पसंद है। लेकिन दो दिन पहले मैंने एक यूट्यूबर का चैनल देखा, बहुत पुराना यूट्यूबर है, तो उसके हिसाब से मिर्जापुर एक वेस्ट ऑफ टाइम थी। तो मैं उसको इतना ही बोलूंगा कि भाई आई रिस्पेक्ट यू, और मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है चीजों को देखने का, तो आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इंडियन फैंस है उनको मिर्जापुर बहुत पसंद है और पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। और सिर्फ मैं आपके कहने पर दोबारा से काफी गौर से मैंने मिर्जापुर सीरीज देखी है और मुझे कैसी लगी वो मैं आपको यहां पर वापस से शेयर करूंगा। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि भाई ये मत बोलना कि तू बहुत लेट हो गया यार, उस टाइम पे मेरा चैनल नहीं था और अब मेरा चैनल है, तो यार मुझे भी एक्साइटमेंट जो मेरी वो शेयर करने दो ताकि आप लोग भी अपने एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज की जिसमें हमें सीजन 1 में नजर आए थे टोटल 9 एपिसोड, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 43 मिनट से लेके 53 मिनट के बीच में ये कहीं सीरीज की कहानी शुरू होती है मिर्जापुर से, जहां पर हमें नजर आते हैं अखंड त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया, जो कि कहने को एक बिजनेसमैन है लेकिन असल में वो किंग ऑफ मिर्जापुर है, या तो कह सकते हैं वो डॉन है, और उनके बेटे हैं मुन्ना त्रिपाठी जिनको लोग मुन्ना भैया बुलाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुन्ना भैया के हाथों हो जाता है एक ढूले का मर्डर। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, किस तरीके से दूसरे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये शो। बात करेंगे ये शो लोगों को इतना ज्यादा पसंद क्यों है। सबसे पहले बात जो इसकी कहानी थी वो ग्राउंड लेवल की एक सच्चाई बताती है, यानी कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जहां पर इस तरीके की चीजें होती है और उतनी ही ब्रूटैलिटी से होती है जितनी हमें इस सीरीज में बताई है, तो इसलिए लोग इससे इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाए और उनको पता है कि भाई हमारे स्टेट में ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा इस सीरीज में जो फनी डायलॉग्स थे, यानी कि डायलॉग फनी नहीं थे लेकिन लोगों ने इसको मीम्स के हिसाब से यूज भी किया और आज भी लोग यूज करते हैं, स्पेशली कालीन भैया हो या गुड्डू हो या मुन्ना हो, इनके जो कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स थे, जो सीन्स थे, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके अलावा इस सीरीज की जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी वो थे इसके मल्टीपल कैरेक्टर्स, और हर एक कैरेक्टर्स का अपना एक मोटिव है, अपना एक अंदाज है, और जिस तरीके से डायरेक्टर ने हर एक कैरेक्टर को मैनेज किया है, उनको स्क्रीन टाइमिंग दी है ताकि ऑडियंस उसे अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए, और हर एक कैरेक्टर को काफी डिटेलिंग में भी लिखा है, और इसी वजह से ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन सीरीज में से एक बन जाती है। उसके अलावा शो की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें, इसमें एक एक्शन सीन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो जहां पर गुड्डू और बबलू को पुलिस वाले चेस करते हैं और वो लोग एक घर में घुस जाते हैं, तो वहां पर जब वो पुलिस वाले उस घर को घेर लेते हैं और जिस तरीके से वो घर के अलग अलग मंजिल बताइए और वहां पर जो एक्शन होता है ना, तो लिटरली थोड़ी देर के लिए अगर उसको गौर से देखोगे सीन को तो आपको ऐसा फील आएगा कि हम लोग वाकई में अभी मौजूद है उस घर में, क्योंकि देख कर काफी रियल फील होता है। उसके अलावा इस शो में ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस थे जैसे कि गला काटने वाले हो या गोली मारने वाले हो या ऐसे से अलग अलग एंगल से शूट किए गए सीन थे जो मतलब लिटरली आपके होश उड़ा देंगे और आपको ये सोच में डाल देंगे कि यार वाकई में इस तरीके की चीजें भी होती है। उसके अलावा बात करेंगे शो के बीजीएम की, तो ज्यादा कुछ मत सुनो, सिर्फ इसका इंट्रो सुन लो, आपको गूज़बम्प्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और उसके बाद जो जो बीजीएम आपको हर एक सीन में सुनने को मिलता है वो एक कॉमन से सीन को भी नेक्स्ट लेवल पहुंचा देता है। और फाइनली बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो पंकज त्रिपाठी सर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि वो हमारे इंडिया के वन ऑफ दी फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है, जो कि जेन्युइनली एक्टर्स है, वो सिर्फ शोशा नहीं करते, वो एक्टिंग करते हैं। उसके अलावा देवेंदु शर्मा, अली फजल और विक्रांत मसे, तीनों ने अपने रोल को बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया कि एक सेकंड के लिए भी आपको ये नहीं लगता कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। फाइनली मैं अभिषेक बनर्जी के बारे में भी कहना चाहूंगा, वो ये है कि उन्होंने इस सीरीज में कहने को एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया है, लेकिन जब ये सीजन 1 खत्म होता तो आपको उनका कैरेक्टर याद रह जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक अलग ही जान डाल दी, क्योंकि मोस्टली हम लोग सिर्फ मेन लीड को ही फोकस करते, लेकिन वो सपोर्टिंग होने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रेजेंट को लोगों को फील करवाया इस सीरीज में। उसके अलावा सीजन 1 की एक और खास बात थी, वो थे इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। आप जब भी सोचते थे कि भाई ये सीन में ये होगा या इसके क्लाइमेक्स में ये होगा, तो यहाँ पर मेकर्स इतने ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से इस पूरे सीजन को लिखे हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप जो सोच रहे हो उससे उलट ही हो जाता था, और ये इस सीरीज का यूएसपी है। उसके अलावा जहां पर सीजन 1 की एंडिंग हुई है वहां पर से एक चीज तो समझ में आती है, सीजन 2 में जो रिवेंज होने वाला है
वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मिर्जापुर सीरीज में वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो एक परफेक्ट डिश बनाते, और इसी वजह से लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगी थी। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा अच्छी लगी और आप सीजन 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीजन 2 की रिलीज डेट कब अनाउंस होने वाली है, वो कल यानी कि 24 अगस्त 2020 को ठीक 12 बजे Amazon की तरफ से ये अनाउंस हो जाएगा कि मिर्जापुर सीजन 2 कब रिलीज होगा। मेरे हिसाब से शायद ये सितंबर या अक्टूबर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। तो बस यार इस वीडियो में इतने, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कमेंट सेक्शन आपका जो मर्जी से लिख सकते हो, मैं वेट करूंगा।